दोस्तों नमस्कार, मैं रामवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों आम जिंदगी वर्सेस मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी क्या होती है और मेंटोस जिंदगी क्या होती है। आम जिंदगी तो हमें रोज देखने को मिलती है। आज हिंदुस्तान की 80% पॉपुलेशन कैसे आम जिंदगी जीती है, उसमें उनका क्या रोल होता है, उनके पेरेंट्स का क्या रोल होता है, वो मैं आज आपको दिखाना चाहूं। आम जिंदगी है दोस्तों गरीब। सबसे पहला जो शब्द आता है निकल के वो आता है गरीबी का। मैं गरीब हूं, पूछा जाए गरीब क्यों भाई, कि सर ज्यादा एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं है, कि बड़ा खानदान नहीं है। ये तीन सबसे बड़े कारण निकल के आते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरा बड़ा खानदान नहीं है, मेरी बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये तीनों चीजें प्रॉब्लम की हैं, आम जिंदगी में है। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर सकते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है नौकरी कर सकता, जॉब कर सकता हूं, उसके बाद और क्या कर सकता है कि दुकान चला सकता हूं, खेती कर सकता हूं, मजदूरी कर सकता हूं, घर के काम कर सकता हूं, आर्मी में जा सकता हूं, फोर्स में जा सकता हूं। ये जो 8-10 काम मैंने जो बताए हैं दोस्तों, ये आम जिंदगी में आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो काम है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़े काम है, बहुत मजबूती के, यानी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इस काम में। इसे बड़े लोग नहीं कर सकते, उन कामों को एक आम इंसान कर देता है। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बच्चा 8 घंटे बिना पंखा कूलर एसी के दुकान नहीं चला सकता, लेकिन आम इंसान चला सकता है। एक 4 घंटे धूप में रहकर मजदूर काम कर सकता है, एक आम इंसान काम कर सकता है, कोई बिजनेसमैन का बच्चा काम नहीं कर सकता। ये सारे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम है, इन्हें एक आम इंसान आराम से करने के लिए तैयार हो जाता है, और शायद 80% की जिंदगी इस आम काम को करते करते निकल जाती है, लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, ये आम जिंदगी जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसा बोलते क्यों है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट का। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम रामवीर सिंह, मैं एक कच्चे घर में जन्म लिया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा एडमिशन कराया गया। एडमिशन कहां करा गया, सरकारी स्कूल में। आप बताइए मेरा या आपका एडमिशन हमारी मर्जी से हुआ क्या? नहीं। किसकी मर्जी से हुआ? हमारे पापा की पॉकेट की मर्जी से, आपके पापा की पॉकेट की मर्जी से। हमारे दोस्त कौन होंगे, सरकारी स्कूल वाले, कमजोर लोग। हमारे गांव में दोस्त कौन होंगे, हमारे आस पड़ोस वाले लोग, कमजोर गरीब लोग। अब हमारे साथ क्या होता है आम जिंदगी में, वो मैं एक बताना चाहूंगा कि बचपन से मुझे जब मेरी माँ जगाती थी, या आपकी माँ बाप आपको जगाते हैं सुबह, तो आपको पता है दोस्तों एक वर्ड कह के हमें जगाया जाता है कि बेटा जग जा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, जग जा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी। क्या किसी माँ बाप ने आज तक ये कह के जगाया कि बेटा जग जा पढ़, तेरा मन आए वो काम करना? नहीं कहा। शायद ऐसा कहा होता तो बहुत सारे बच्चे कुछ और बने होते, लेकिन ऐसा हमारे साथ बचपन से किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बचपन एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, एक छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे मोड़ना चाहो वैसे मोड़ सकता है। लेकिन ये सब एक बार नहीं, हमारे से रोज 10-20 बार 50 बार कहा जाता है कि जग जा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, रोज कहा जाता है। यहां तक कि स्कूल में भी जाकर के हमारे टीचर हमारे को यही कहते हैं पढ़ लीजिए आपका कहीं जॉब लग जाएगा। यानी हमें ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज ने, हमारे पेरेंट्स ने, पेरेंट्स की गलती नहीं है, तो उनका एनवायरमेंट ऐसा है। मैंने आपको दिखा रहा हूं कि उनका ऐसा एनवायरमेंट है, वो ऐसे लगता है मुझे कि जैसे किसी मूवी में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया गया था कि तेरा बाप चोर है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज ने हमारे ऊपर ऐसा ठप्पा लगा रखा है कि तू नौकर है, मजदूर है, आम इंसान है। और इस बात को जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे समाज के लोग और मजबूत करते जाते हैं। कोई बच्चा
बड़ी बातें करे, लाखों करोड़ों की करे, वैसे तो करता ही नहीं है आम समाज में, लेकिन करे तो हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं उड़ मत, हवा में बातें मत कर, ऐसी जिंदगी नहीं होती, लाखों करोड़ों ऐसे नहीं कमाए जाते, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। यानी इन बातों को रोज हमारे साथ ठोक ठोक करके और मजबूत किया जाता है कि तू सिर्फ नौकरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ये रोज हमारे साथ कहानी होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बचपन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर। एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनके टीचर ने उन्हें एक चिट्ठी लिख के दी थी एक बार, और चिट्ठी उन्होंने अपनी मां को लाके दी, और मां ने चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने पूछा कि मां इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने की मां ने बताया कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत माइंडेड है, इसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, आप खुद इस बच्चे को पढ़ाएं और अपने बच्चे को कल से स्कूल ना भेजें। और इस बात को दोस्तों, बचपन तो भगवान के रूप में होते हैं बच्चे, बच्चे में भगवान का रूप बसता है, और इस बात को उन्होंने मान लिया। और दोस्तों आप सबको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। जब उनकी माताजी खत्म हो गई तो उन्हें वो चिट्ठी एक ड्रॉवर में मिली, जब उन्होंने पढ़ा और देखा तो बताऊं उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता है, इसे हमारे स्कूल में ना भेजें, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। दोस्तों ऐसे ही हम हैं, हमारे को जो बताया गया है वो हमने सब किया है। मान लो मैं आर्मी में गया, क्यों गया, 12th पास किया मेरे परिवार से, मैंने अपने दो भाइयों को आर्मी में जाते हुए देखा, मैंने उनको जाके पूछा कि भैया आर्मी में कैसे जाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये काम करने हैं, इतनी रेस लगानी है, ये बीम लगानी है, ये पुशअप लगानी है, ये लॉन्ग जंप करनी है, और ये टेस्ट देने हैं, ये क्लियर कर दिया तो आप आर्मी में चले जाओगे। मैं खुश हुआ क्योंकि ये सारे काम मेरे पहुंच में थे, मैं इनको कर सकता था, और मुझे 100% यकीन था क्योंकि जब मेरे स्कूल में पढ़े हुए मेरे परिवार के दो भाई जब आर्मी में जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं। और दोस्तों मैंने तैयारी की, जो जो चीज की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा बेस्ट मैं करके गया, और मैंने जाके किया और मैं आर्मी में लग गया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो दो भाई मेरे आर्मी में ना जाते बल्कि वो दोनों आईएएस बनते तो आप बताओ मैं आईएएस की तैयारी करता या आर्मी में जाता? वो दोनों बड़े डॉक्टर बनते तो मैं डॉक्टर की तैयारी करता या आर्मी में जाता? वो दो सुपरस्टार बने होते पिक्चरों में तो मैं पिक्चरों में जाने की कोशिश करता या आर्मी में जाने की कोशिश करता? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जो भी काम आज तक किया है सब समाज ने जो मुझे दिया है उस काम को मैंने किया है। इसका मतलब आप और मैं कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, कमजोर होते तो यार 8 घंटे 10 घंटे नौकरी कौन करता है, सीने पे गोली खाने की ताकत कौन रखता है, मजदूरी करना नॉर्मल बात है क्या, खेत में रात को अकेले पानी लगाना नॉर्मल बात है क्या? नहीं है। ये जितने भी स्ट्रॉन्ग काम है इन सबको हमने करते हुए देखा, हमारे समाज ने जो जो काम हमारे को दिए उन सारे कामों को हमने किया है। इसका मतलब यहां तक की जो जिंदगी है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जितना भी रोल है वो समाज का है, हमारे पेरेंट्स का है, हमारे एनवायरमेंट का है, हमारे दोस्तों का है, हमारे रिश्तेदारों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो आम जिंदगी है, ये सारे काम सब लोग करते हैं, और इसी वजह से हम अलग चीजों के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि जब भी हम सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो हमारे उस सोच पर पाबंदी लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने नहीं किया, तू कैसे कर सकता है, बेकार की जगह जा रहा है, नौकरी से जिंदगी चलती है, सबको करते हुए देखा है, तू अलग क्यों जा रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यानी वो इतना मजबूर कर देते हैं कि एक लड़का कुछ करना चाहे तब भी कर नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे एनवायरमेंट की वजह से हमारे को मिलता है, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। अब ये तो जिंदगी हर इंसान जी रहा है, इसी जिंदगी को जीते जीते आज 90% लोग नॉर्मल लाइफ, दाल रोटी वाली लाइफ को जी करके खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ होते हैं
जो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो पहले आम लोग ही थे, आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी ने अलग सोचा। उसे बहुतों ने रोका, यहां तक उनके पेरेंट्सों ने भी रोका, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। जो किसी की नहीं मानता, यानी उसे बोलते हैं डिसीजन लेने की पावर जिसके अंदर होती है, वो इंसान शुरू करता है मेंटोस जिंदगी। जैसे ये है, ये चिड़िया है, ये पिंजरे में बंद है, ये मछली है, ये पानी के जार में, ये तो मजबूर है, ये जानते नहीं, ये खोल के जा नहीं सकते, इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन में जब इंसान रहेगा तो क्या बड़ा बन सकता है, क्या ये चिड़िया उड़ सकती है? लेकिन ये चिड़िया उड़ सकती है, ये मछली बाहर आ सकती है, यदि इनका साथ देने वाला कोई हो, इनकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला कोई हो, कोई एक ऐसा टीचर मिले जो आपको आगे तक ले जाए, तो जरूर ये चिड़िया भी उड़ सकती है, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है। और ये आप बात जानते हैं, ये चिड़िया पिंजरे में है तो इसी दायरे में घूमेगी, ये मछली इसमें है तो इसी दायरे में घूमेगी, लेकिन ये मछली समंदर में चली जाए तो लाखों मील की दूरी तय कर सकती है, और चिड़िया आसमान में उड़ जाए तो लाखों मीलों की दूरी तय कर सकती है। लेकिन दोस्तों उड़ नहीं पाते। 90% लोग समाज के प्रेशर की वजह से, मां बाप के प्रेशर की वजह से, भाई बहन के प्रेशर की वजह से अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। दोस्तों हमें यार अपने आप को बड़ा बनाना है, यानी मेंटोस जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं अपनी भी बताऊंगा कि मेंटोस जिंदगी में आज मैं कैसे आया हूं। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों किसी भी इंसान को मारने के लिए, नीचा गिराने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, किसी को डिमोरलाइज करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, किसी को मारने के लिए केवल एक उंगली काफी है। भगवान श्री कृष्ण जब भी लड़ाई हुई, जब भी कुछ किया, एक उंगली उठाई। आज भी एक उंगली से ही बंदूक चल जाती है, किसी को मारा जा सकता है, लेकिन किसी को प्यार करने के लिए, किसी को अपने पास बुलाने के लिए, कोई संगठन बनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को भी देख सकते हैं, सारी उंगलियों का, पूरे हाथों का यूज करना पड़ता है, किसी को मनाने के लिए, किसी को सत्कार देने के लिए हाथ जोड़ करके, यानी दोनों हाथों को लगाना पड़ता है। और जिंदगी मेंटोस एक उंगली से नहीं हो सकती, दोनों हाथों से होती है। जब तक हम दोनों हाथों से अपने आप को विनम्र नहीं बनाते, किसी चीज पर अपना डिसीजन नहीं लेते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। क्या होता है लाइफ में, आप देखें कैसे होती है मेंटोस जिंदगी, कैसे बनती है, मैं आपको बताऊं। मैं नौकरी कर रहा था, 15-16 साल नौकरी करते करते हो गए, मैं भी बिल्कुल उसी आम जिंदगी का व्यक्ति हूं जो समाज ने मुझे दी। मुझे पहली बार किसी व्यक्ति ने आके मुझसे कहा कि रामवीर आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति का शब्द जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि मेरे खानदान में तो मेरे से किसी ने कहा ही नहीं, और मैंने किसी को करोड़पति बनते हुए देखा ही नहीं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। लेकिन सर ने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनने दे, तू बन सकता है। दोस्तों मुझे अंदर से फीलिंग आई कि यार किसी ने आज तक मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन एक व्यक्ति कह रहे हैं कोई कि तू बन सकता है, चल करोड़पति नहीं बनूंगा कोई बात नहीं, 50-40 लाख रुपए भी कमा लूंगा तो भी बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी की, यानी मैंने खुद डिसीजन लिया अपनी मर्जी का, और मैंने एक संस्था को ज्वाइन किया जिसका नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उसे ज्वाइन किया और मैं जॉब कर रहा था उस टाइम। दोस्तों मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने किसी से परमिशन नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं मैं परमिशन लेने जाऊं ऐसे काम की जहां करोड़ों रुपए आने वाले हैं, आप बताओ आपके परिवार में आपको कोई परमिशन देगा, रिश्तेदार देगा, पड़ोसी देगा, नहीं देगा, दोस्त देगा, नहीं देगा, वो सब ये कहेंगे बेकार का काम है, तू कौन से चक्कर में पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने किसी को बनते हुए नहीं देखा। दुनिया में जब भी कोई ऐसी चीज आई है जो पहले नहीं थी, उसे बनाने वाले को हमेशा मजाक का सामना करना पड़ा है, लोगों के ताहिनों का सामना करना पड़ा है, मजाक का पहलू बना है। लेकिन दोस्तों मैंने उस काम को पहले दिन ज्वाइन किया। उसके बाद जब मेरी नौकरी छूटने की बात आई, नौकरी आज की दुनिया में तो बहुत बड़ी चीज है, मैंने जब नौकरी छोड़ी
मैंने किसी को नहीं पूछा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं किसी को पूछूं, आप बताइए सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए क्या दुनिया में कोई कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। आप किसी से कहोगे वो बेवकूफ बताएगा, पागल है, दिमाग खराब हो गया, हवा में उड़ रहा है। सरकारी नौकरी मिलती कहां है? सरकार के दामाद तो बनके खाओ, सैलरी मिल रही है। कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी बर्बाद हो जाए, आपको सैलरी मिल रही है। आप ऐसे काम को छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो। दोस्तों बहुतों ने बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन मैंने उस ज्ञान को नहीं माना। जो ज्ञान मेरी उड़ान को रोके, उस ज्ञान को आप भी नहीं मानना। मैंने डिसीजन लिया और अपना काम, 1 अगस्त 2016 को मैंने जॉब क्विट किया और आज फुल टाइम मैंने इस काम को करना शुरू किया। और दोस्तों आज मुझे करते हुए लगभग 7.5 साल हो गए इस काम में। आज इस काम को करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मेंटोस जिंदगी होती है वो क्या होती है। मेंटोस जिंदगी होती है और लोगों की भी होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कहां से कैसे आते लोग। ये देखो, मैं कहना चाहूंगा मेंटोस जिंदगी जो लोग जी रहे हैं उन्हें देख के जलो मत, पैसे वाले लोगों को देख करके जलो मत, क्योंकि जो पैसे वाले आज आपको दिख रहे हैं, मान लो अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत मेहनत की है तब जाके आज अभिषेक बच्चन जी पैसे वाले दिख रहे हैं। आज अखिलेश यादव, स्ट्रगल क्या होती है ये अखिलेश यादव जी को नहीं पता, ये पता है मुलायम सिंह यादव जी को। एक किसान का बच्चा, टीचर सरकारी स्कूल में, उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री का सफर तय करना आम बात नहीं होगी, नॉर्मल बात नहीं होगी। हजारों लोगों की चीजों को सहा होगा, ये भी आम जिंदगी वाले लोगों को दिखा रहा हूं। आम वाले लोग मेंटोस जिंदगी में कैसे पहुंचते हैं, यहां देखिए, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो आज हैं, बहुत पैसे वाले हैं, एशिया में नाम है, वर्ल्ड में नाम है, लेकिन दोस्तों इनके पापा पेट्रोल पंप पर जॉब किया करते थे। स्ट्रगल क्या होती है ये उन्होंने की है, इनको नहीं पता है, लेकिन थे तो वहां, डिसीजन लिया। जब इन्होंने करोड़ों की बात की होगी, लोगों से बात की होगी, क्या कोई मानता होगा, क्या कोई सोचता होगा ऐसा होगा? नहीं सोचा। लेकिन आज आपके सामने ये एग्जाम्पल है, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान के अंदर हर मोड़ पर आपको एग्जाम्पल मिलता है। जो गरीब था वो अमीर बना है, क्योंकि जितने भी आज अमीर दिखाई देते हैं 98% लोग, इनके दादा परदादा पापा कहीं ना कहीं गरीब थे और उन्होंने एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के अपनी जिंदगी को आम से मेंटोस जिंदगी में कन्वर्ट किया। यशानो मेंटोस जिंदगी, आज मैं इस काम को करता हूं। तो इस काम को करने से क्या हुआ, जो मैं कच्चे घर में जन्म लिया आज 5 करोड़ के घर में आ गया, जहां स्कूल पैदल जाता था आज ऑडी जगवार घर पर आ गई, जब मैं 5000 रुपए की सैलरी के साथ शुरुआत की आज 25 से 30 लाख रुपए महीने की सैलरी पर आ गया, अपने काम पर आ गया, यहां पर मान सम्मान प्यार प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। आप बताइए, यहां पर कोई बॉस नहीं है, मैं अपना काम खुद करता हूं। हां लेकिन एक बात कहूंगा, जो भी कुछ बना एक इंसान की वजह से बना, जिनके आशीर्वाद से, प्यार से, डायरेक्शन से जो मैं यहां पहुंचा हूं, वो मेरे गुरु हैं, उनका नाम मैं जरूर लूंगा, जिनका नाम है हमारी कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर। संजीव कुमार सर ने मुझे डायरेक्ट किया, मुझे बताया, समझाया कि जिंदगी ऐसे चलती है, ऐसे मेंटोस जिंदगी बनती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, आम थे, आज भी करोड़ों लोग चाय बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने चाय बेचने के साथ साथ अपने आप को अलग सोचा, अलग डिसीजन लिया, तो आज 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनके प्रधानमंत्री हैं, पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है, नंबर वन पोजीशन के नेता हैं पूरे वर्ल्ड के। कपिल शर्मा आपके सामने, उनके पापा पुलिस में थे, ये भी बंदा वहां से निकला होगा तो कौन कहता होगा ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज आपके सामने है, हम सबको हंसाने वाले आज आपके सामने है, जो 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देते हैं। इसके बाद आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी, उनके पापा भी नॉर्मल रोजगार करते थे और उन पर भी यही प्रेशर था कि बेटा क्रिकेट छोड़, नौकरी कर ले, कर भी ली, लेकिन दोस्तों नौकरी के साथ साथ उन्होंने जिस काम को चुना उसमें उनका मन रहता था, नौकरी में नहीं रहता था, एंड में नौकरी करते करते भी अपने आप को आगे लेके गए और हिंदुस्तान को तीनों फॉर्मेट में, वनडे हो, T20 हो,
या आईसीसी की ट्रॉफी हो, इन तीनों ट्रॉफियों को जिताकर तीनों फॉर्मेट में नंबर वन की पोजीशन पर आज तक कोई कप्तान लेके नहीं गया। एक कप्तान लेके गए जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों ये आपने अपनी आंखों से सबको देखा है। एक एग्जांपल और है हमारे पास, ये देखें संजीव सर आर्मी में थे, नौकरी करते थे, अब आर्मी में 10-12-15 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सब नौकरी करके रिटायरमेंट होकर के आ करके कहीं रिसेटलमेंट करते, कोई मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई क्लर्क लगा हुआ, कोई बंदूक लेके खड़ा है, कहीं और नौकरी कर रहा है, कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने डिफरेंट सोचा, अलग सोचा, मानी नहीं। आपको क्या लग रहा है ये जब काम करने आए होंगे तो इनके माँ बाप ने साथ दिया होगा? नहीं, मना किया होगा। लेकिन दोस्तों इनका विजन क्लियर था, मुझे कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है। और आज आपके सामने ये सब देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल सी कंपनी की शुरुआत करके, 5 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करके, आज आपके सामने 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस के हैं। केवल 8 कैटेगरी से प्रोडक्ट शुरू किए थे, हेल्थ, आज हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, आज 7 कैटेगरी के 150 प्रोडक्ट से ज्यादा आज एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट ही नहीं है, संजीवनी बूटी जैसे प्रोडक्ट हैं, अल्टीमेट रिजल्ट के प्रोडक्ट हैं। और दोस्तों आज इनके अच्छे काम के लिए भारत सरकार ने, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से अवार्ड दिया। इसके बाद अभी 2 दिन पहले यानी आज तारीख है 24 यानी 22 तारीख को सर को भोपाल की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। दोस्तों ये नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये नॉर्मल एक आम इंसान की जर्नी, यहां तक पहुंचना, इतना बड़ी कंपनी बनाना, 18 लाख लोगों को अपने साथ लाना, एक आम इंसान कभी कहता तो क्या कोई मानता? नहीं मानता। लेकिन आज आपके सामने है, मुझे इन सारी चीजों को देख करके एक ही बात समझ में आती है, मुझे तो वो गाना याद आता है जो गोविंदा जी गाते थे एक अपनी पिक्चर में, कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। जब मर्जी की जिंदगी हो जाती है उसे बोलते हैं दोस्तों मेंटोस जिंदगी। और मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए, आपकी खुद की विचारधारा होना चाहिए। आप लोगों की सोचोगे तो लोग वो बनाएंगे जो खुद हैं, अपनी तरह सोचोगे तो आप वो बनेंगे जो आप चाहते हैं। दोस्तों ये आज मैं 2 जिंदगियों में आपको फर्क समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि एक आम जिंदगी क्या होती है और एक मेंटोस जिंदगी क्या होती है। आप भी अपनी आम जिंदगी को मेंटोस जिंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आप डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने की क्षमता रखते हैं। अपने सामने हजारों लोगों के ऐसे एग्जाम्पल को पढ़ें, देखें, समझें कि जो पहले गरीब थे और आज अमीर हैं, उन्होंने हजारों लोगों की बातों को सुना है और आगे बढ़े। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए खुद की विल पावर, खुद का डिसीजन, और जो लेता है वो बनता है। ये सारी चीजें आपको मैंने दिखाई हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।